हेलो फ्रेंड्स मोन्यू एकेडमी में आपका स्वागत है आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए कलरिमीटर एंड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बेसिकली ये हमारा बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर है सो so, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट uh, बॉक्स में लिखकर बताया है कि उन्हें कलरिमीटर एंड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पढ़ना है सो so, फ्रेंड्स आज मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ कलरिमीटर एंड स्पैक्टो फोटोमीटर उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और इससे कुछ सीखने को मिलेगा सो so, फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको कलरीमीटर मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज फॉर द मेजरमेंट द इंटेंसिटी ऑफ द कलर सब्सटांसिस इन अ सोल्यूशन सोल्यूशन के अंदर जो कलर सब्सटांसिस हैं उसकी इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हम कलरीमीटर का यूज करते हैं दस दंसनट्रेशन ऑफ बायोकेमिकल कंपाउंड्स एंड मेटाबोलाइट्स कैन बी एस्टिमेटेड इफ़ दे आर कन्वर्टेड इन टू कलर कंपाउंड यूज कैमिकल रिएक्शन अंडर डिफाइन कंडीशन बाई मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ कलर विच इज प्रपोर्शनल टू कंसनट्रेशन ऑफ द कंपाउंड फ्रेंड्स इसमें क्या है बायोकेमिकल कंपाउंड्स है अगर वो कलर कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये क्या करेंगे ये जो कंडीशन है कलर चेंजिंग का जो कंडीशन है इसको मेजर करने के लिए इसकी इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए कलर जो हमारा इंटेंसिटी होगा कलर का वो किसके प्रोपोर्शनल होगा कंसेंट्रेशन ऑफ कंपाउंड के कलरीमीटर के अंदर इसमें क्या होता है जब हम सॉल्यूशन कलरीमीटर के अंदर डालते हैं तो कल रिमीटर क्या करेगा उसकी कलर की इंटेंसिटी को मेजर करेगा और जो कलर की इंटेंसिटी होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी कंसेंट्रेशन ऑफ कंपाउंड के ठीक है फ्रेंड्स अ कलरीमीटर ऑफ फोटोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट बीम इन द विजुअल रेंज ऑफ द स्पेक्ट्रम 400 टू 700 नैनोमीटर ओके फ्रेंड्स सो जो हमारा कलरीमीटर और फोटोमीटर कलरीमीटर को हम फोटोमीटर भी कहते हैं बिकॉज ये क्या है मेजर करता है कलर इंटेंसिटी को ठीक है फ्रेंड्स सो so, इसके अंदर ये बीम ऑफ लाइट होती है जो विजुअल रेंज उसका स्पेक्ट्रम कितना होता है फोर हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड सो फ्रेंड्स कलर मीटर हमारा इतना ही था अब आता है हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अ आ इज अ सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द ट्रांसमिटेड लाइट इन दी स्पेक्ट्रल रीजन ऑफ यू वी विजुअल रेंज टू हंड्रेड टू फोर हंड्रेड जो हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है ये बेसिकली जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है और जो इसकी विजुअल रेंज है यू रेंज है वो कितनी है 200 टू 400 नैनोमीटर है और हमारा कलरीमीटर का कितना था 400 टू 700 नैनोमीटर अगर फ्रेंड्स एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ओवर दी फोटोमीटर आर अब फ्रेंड्स अब हम डिफा डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और फोटोमीटर में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि क्यों इसका एडवांटेज है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के एडवांटेज क्या है अकॉर्डिंग टू फोटोमीटर के प्रेजेंस ऑफ मोनोक्रोमैटिन लाइट सोर्स यूवी एंड विजुअल लाइट सोर्सेस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्या है यूवी लाइट एंड विजुअल लाइट दोनों प्रेजेंट होते हैं ठीक है इंक्रीज सेंसिटिविटी इसकी सेंसिटिविटी भी इंक्रीज हो जाती है वाइड स्पेक्ट्रल रेंज होती है नैरो स्पेक्ट्रल रीजन होता है रिकॉर्डिंग दी एब्जॉर्बेंस ऑफ़ डायल्यूटिंग सोल्यूशन एंड फेसिलिटी टू रिकॉर्ड ऑब्जॉर्वेशन सेपरेट्रा ऑफ सबस्टांसिस ऑफ एंड फंक्शन ऑफ़ द वेव लेंथ इसमें क्या हम रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं जो ऑब्जॉर्वेंस है डायलूट सोल्यूशन की फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ कलरीमीटर एंड स्पेक्टो फोटोमीटर इनके प्रिंसिपल क्या हैं जो कलरीमीटर हमारा फोटोमीटर है और स्पेक्टो फोटोमीटर जो है इनकी प्रिंसिपल्स किस बेस्ड पर प्रिंसिपल हैं ये कलरी मिट्री एंड स्पेक्ट्रोफोटोमिट्री बेस्ड ऑन दी टू प्रिंसिपल बीस एंड लैम्बर स्लो फ्रेंड्स आपने लैम्बर्स बियो तो पढ़ा ही होगा बियर स्लो में क्या आता है हमारा वैन अ पैरलर बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट इज पास थ्रू अ सोल्यूशन एक पैरलर बीम मोनोक्रोमैटिक लाइट है वो एक बीम ऑफ लाइट से सोल्यूशन से पास होती है ठीक है एक सोल्यूशन से पास हो रही है

ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी के यानी एब्जॉर्बेंस ऑफ द सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन ठीक है और इसको कैसे लिख सकते हैं हम ए स्कल टू कॉन्स्टेंट सी ये हमारा के क्या है कॉन्स्टेंट है अब आता है हमारा लैम्बर्ट्स स्लो अभी हमने क्या पढ़ा बियर लॉ एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रपोर्शनल है कंसेंट्रेशन ऑफ द सबस्टांसिस इन सोल्यूशन ओके फ्रेंड्स अब हमारा लैम्बर्ड स्लो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ दी एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू पाथ लेंथ ऑफ लाइट विच इज द थिकनेस ऑफ सोल्यूशन ओके तो लैम्बर्ड स्लो हमारा क्या कहता है जो एब्जॉर्बेंस सोल्यूशन की वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल है पाथ लेंथ ऑफ लाइट की और विच इज़ दी थिकनेस ऑफ सोल्यूशन और इसके थिकनेस के सो so, हमारा क्या है ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एल के हम इसे कैसे लिख सकते हैं एस कल टू कॉन्सटेंट एल कॉम्बिनेशन ऑफ टू लोज लैम्बर्ट्स बियर स्लो कॉम्बिनेशन ऑफ टू लोज क्या हो गए हमारे लैम्बर्ट्स बियर स्लो का कॉम्बिनेशन सो फ्रेंड्स ए स्कल टू कॉन्सटेंट सी एल ए हमारा क्या है एब्जॉर्बेंस ऑफ सोल्यूशन के हमारा कॉन्सटेंट है सी हमारा कंसंट्रेशन ऑफ दिस सब्सटेंस इन सॉल्यूशन है एल हमारा क्या है पाथ लेंथ ऑफ लाइट है वैन के इज अ पपोर्शनी कॉन्स्टेंट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सटेंशन कॉफिशियंट और एब्सॉर्बेशन कॉफिशियंट एंड इज फिक्सड फॉर अ सब्सटांसिस ए स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन एंड वेब लेंथ ये हमारा के क्या है कॉन्स्टेंट है कॉफिशियंट जिसे बोल सकते हैं ठीक है थीके? ये फिक्स करेगा सब्सटेंसेस के स्पेसिफिक कंसेंट्रेशन और वेवलेंथ को अब क्या होता है हमारा एब्जॉर्बेंस एब्जॉर्बेंस स्कल्टू क्या होता है माइनस लॉग आई अपॉन में आई ओ अब इसका मतलब क्या होता है जो आई है हमारा ट्रांसमिटेड लाइट है और ये क्या है इंसिडेंट लाइट है ओके okay, तो ए स्कल्टू क्या हो गया माइनस लॉग ये इसके ब्रैकेट में क्या आएगा आई अपॉन में आई ओ यानी ट्रांसमिटेड लाइट अपॉन में इंसिडेंट लाइट ओके फ्रेंड्स सो so, हमारा ये था कलरमीटर एंड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कलरिमीटर एंड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किस पे बेस्ड है लैम्बर्ट्स बियर स्लो पे बेस्ड है सो so, मैंने आपको बताया कि लैम्बर्ट्स बियर स्लो के अंदर क्या क्या आता है जो बियर स्लो है वो अलग है लैम्बर्ट स्लो है जो अलग है इनको कंबाइन करके जो बनाया गया है वो हमारा ये एब्जॉर्बेंस एब्जॉर्बेंस है इज टू माइनस आई अपॉन में आई ओ आई होता है हमारा ट्रांसमिटेड लाइट एंड इंसिडेंट लाइट होता है हमारा आई ओ ओके फ्रेंड्स सो ये वीडियो यही था कलर रेमिटर इंस्पेक्टर फोटोमीटर अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में ना आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए अपने क्वेश्चन बताइए ताकि उसका आंसर मैं आपको बता सकूँ ओके फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कीजिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो